इसका इस क्रीम का नाम है बी हेल्थ क्रीम, वैसा काम भी करता है। बी हेल्थ का मतलब ब्रेस्ट का ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखता है ये क्रीम। बस इसी तरह से आपको इस क्रीम को इस्तेमाल करना है, साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ये कमाल के रिजल्ट देते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल पे। कैसे हो आप सब दोस्तों? टाइटल से तो आपको पता ही आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बताने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरी चैनल पे मुझे 3 रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती है कि मैम कोई ऐसा ब्रेस्ट फर्मिंग या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्रीम बताइए जो अफोर्डेबल हो, सेकेंड उसमें कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, और तीसरा इजीली अवेलेबल हो। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैं आज का प्रोडक्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि डेमो वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। सो दोस्तों पहले हम बात करते हैं वुमेन के ब्रेस्ट के बारे में। जब वुमेन की ब्रेस्ट की बात आती है तो ऑब्वियसली जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और बहुत सारी महिलाओं को अपना जो शेप है उसको मेंटेन रखना अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा मैटर करता ही है, तन है वो हमारे फिजिकल अपीयरेंस में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स इंटरनली भी उसका ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा क्रीम आप इस्तेमाल करते हो, उसके इन्ग्रीडियंट्स क्या है, वो सब देखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। जब हम ब्रेस्ट और स्तन की बात करते हैं, औरतों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है। जैसे हम दूसरे अंग या दूसरे बॉडी पार्ट का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से ब्रेस्ट या स्तन का भी ध्यान रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बेसर के बी हेल्थ नेचुरल ब्रेस्ट एनहांसमेंट एंड फर्मिंग क्रीम के बारे में। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ठीक है, आपको 50 ग्राम का ये टब मिलता है। अब क्लोज यहाँ पे मैं उसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये बी हेल्थ अ नेचुरल ब्रेस्ट एनहांसमेंट एंड फर्मिंग फॉर्मूला। इसकी इंग्रेडिएंट्स ही बहुत ही कमाल के हैं, आयुर्वेदिक एंड हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं आपको। अब इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम वुमेन की हेल्थ के रिलेटेड इंटरनली जब हम कोई सिरप या ऐसा कोई अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हो, आयुर्वेदिक अगर आप कोई सिरप की बात करती हो स्पेशली, तो उसमें आप देखोगे कि शतावरी डाला जाता है, मूलेथी डाला जाता है, गंबारी, ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स आप देखोगे जो वुमेन जब उसे इनटेक करती है तब उसे ताकत महसूस होती है। ज़्यादातर वो मेंस्ट्रुअल वाले जो सिरप्स आते हैं जो हमारे जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे हमें ताकत दे, हमारे जो वुमेन की इंटरनल ऑर्गन्स का अच्छे से ध्यान रखे, जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स, उसके लिए कोई भी अगर आप आयुर्वेदिक ड्रिंक लेते हो ना, कोई सिरप लेते हो, तो उसके अंदर ये सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिससे हमें ताकत आती है, राइट। वैसे ही इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ये जो क्रीम है इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्रीम का टेक्सचर मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ अप क्लोज। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको मिल जाता है शतावरी एक्सट्रैक्ट, मूलेथी एक्सट्रैक्ट, गंबारी एक्सट्रैक्ट, साथ में इसमें डाला गया है सफ़ेद जीरा एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सौंफ के जो दाने होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट, जो फेनल सीड्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और मेथी सीड्स के भी एक्सट्रैक्ट है। नाउ फ्रेंड्स ये जो वर्ड एक्सट्रैक्ट है ना वो क्या है पता है कि वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में जब डाला जाता है ना इंग्रेडिएंट, तो वो जो असर देता है वो 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने मिलता है। तो इस क्रीम में एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, हर्बल पाउडर नहीं डाले गए हैं, एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं इन सब चीज़ों के। तो दोस्तों जैसे इस क्रीम का नाम है बी हेल्थ क्रीम, वैसा काम भी करता है। बी हेल्थ मतलब पूरे ब्रेस्ट का ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखता है ये क्रीम। अब इसका टेक्सचर मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। टेक्सचर के साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया उसके साथ में इसमें अलग अलग टाइप के ऑयल्स का मिक्सचर भी है, और ये बहुत ही नॉन ग्रीसी फॉर्मूला से बना हुआ क्रीम है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर जो ऑयल्स हैं वो मैं बता दूँ आपको कि इसके अंदर आपको मिल जाएगा आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सीसम ऑयल एंड क्लोव ऑयल का मिक्सचर, जो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ब्रेस्ट का ध्यान रखता है, ब्रेस्ट को फर्म करने में और साथ ही साथ ब्रेस्ट को एनहांस, जो एनलार्जमेंट, जो अच्छा सुडोल शेप लाना होता है उसका काम करता है। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टिकी या नॉन ग्रीसी फॉर्मूला से बना हुआ क्रीम है, बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कमाल का रिजल्ट देते हैं फ्रेंड्स। तो ब्रेस्ट को सुडोल बनाना, अच्छा शेप मेंटेन करना, ब्रेस्ट की ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना इस क्रीम का काम है, तो वो काम बहुत ही अच्छे से करता है फ्रेंड्स। तो आपको ब्रेस्ट ग्रोइंग के लिए अगर कोई क्रीम चाहिए तो आप इस क्रीम को ले सकते हो। ब्रेस्ट को फर्म करना, अपलिफ्ट करने के लिए भी एक क्रीम काम करता है। तो ओवरऑल ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है इस क्रीम से बेहतरीन तरीके से होता है दोस्तों। इस क्रीम में से बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फ्रेग्रेंस आती है, जो सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, और सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी पावरफुल डाले गए हैं जो कंप्लीट ब्रेस्ट की ओवरऑल देखभाल करता है। दोस्तों बात कर लूँ कि इस क्रीम को कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे, ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, जो प्रेग्नेंट है या फिर बच्ची को दूध पिला रहे हैं
वो फीमेल्स इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी कह दूं कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट यूज करते हो तो सबसे पहली बार जब आप यूज कर रहे हो तो पैच टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अब बारी आती है एप्लीकेशन की। अगर आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली सुनना होता है और ध्यान से उसे उसी तरह से फॉलो करना होता है। तो मैं बता देती हूँ आपको इस क्रीम को अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही ज़्यादा जेंटली आपको अप्लाई करना है अराउंड द ब्रेस्ट लाइनिंग, ठीक है। ब्रेस्ट की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे आप इस क्रीम को अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ही क्रीम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्वांटिटी को। थोड़ी सी क्वांटिटी को लेके मसाज इट इन द अपर स्ट्रोक्स, आपको ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स देने हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन में देने हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे डेमो में दिखा रही हूँ उस तरह से आप अप्लाई करें और इसे मसाज करें 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये पूरा क्रीम एब्जॉर्ब ना हो जाए। देखना कि आप बहुत ज़्यादा जेंटल हो इसे अप्लाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड मसाज नहीं करना है, बहुत ही जेंटली इस क्रीम को आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है 2 से 3 मिनट, दैट्स इट। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ तो वो प्लास्टिक है, इसके लिए वो क्रीम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप आपके स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये क्रीम बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब होने लगेगा आपके स्किन के अंदर। जैसे ही स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, 2-3 मिनट हो जाए, उसके बाद आप आपके कपड़े पहन सकते हो। तो 2 बार इसे अप्लाई करो, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 बार अप्लाई करना है तो मैं रात के टाइम आपको सजेस्ट करूंगी कि इवनिंग में आप इसे अप्लाई करें। रात को सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पूरी रात वो क्रीम आपके शरीर पे काम करेगा। तो दोस्तों ये क्रीम बहुत ही इंप्रेसिव लगा मुझे, खास करी इसके इंग्रेडिएंट्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इंटरनली भी हम ले सकते हैं, सोचो एक्सटर्नली भी अगर आप लगाओगे तो कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इतना अच्छा इंग्रेडिएंट वाला ये क्रीम है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा इससे, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो आप आग बन करके इस क्रीम पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो बस यही कहना था कि बहुत ही सेफ एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अच्छे आयुर्वेदिक एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है एंड ईजिली अवेलेबल भी है। अमेजोन पे आपको ये मिल जाएगा। ये जो टब मैं आपको दिखा रही हूँ वो 50 ग्राम का टब है, आउट ऑफ पैकेजिंग इस तरह की आती है। एंड इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी परचेज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेजोन पे मैंने देखा है ये 699 रुपीस पे अवेलेबल है, MRP भी इसकी 699 ही है। इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो सारी परचेज की लिंक्स है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और साथ ही में कॉमेंट सेक्शन में मैं पिन भी कर दूंगी, तो आप वहाँ से ईजिली इसे परचेज कर सकते हो। दैट वॉज इट अबाउट फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना है, बाकी फीमेल दोस्तों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे भी पहुँच सके। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड ब्रेस्ट की ध्यान रखना, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेस्ट, उसके बारे में ये वीडियो है, तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपको सुपर सून अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा छोटा सा काम। अगर आप न्यू विजिटर हो तो मुझे दोबारा मिलने के लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना।